हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा फूल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी पॉलिनेशन का प्रोसेस और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस समझने में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फूल के टाइप्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, बेसिकली फूल के दो टाइप्स होते हैं, एक बाइसेक्सुअल होता है और एक यूनिसेक्सुअल होता है। दोस्तों बाइसेक्सुअल फूल को ही परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद होते हैं। और जो यूनिसेक्सुअल आपका फूल होता है, उसमें या तो मेल पार्ट्स एब्सेंट होता है या फिर फीमेल पार्ट्स एब्सेंट होता है। दोस्तों, एक फ्लावर्स के पार्ट्स को हम मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपका होता है मेल पार्ट्स और दूसरा आपके होते हैं फीमेल पार्ट्स। और दोस्तों, कुछ पार्ट्स इसमें कॉमन होते हैं, तो हम पहले शुरुआत कॉमन पार्ट से करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका पार्ट है ये पेडिसेल, या इसी को स्टेम कहते हैं। और दोस्तों, ये पेडिसेल या स्टेम, ये फूल को पानी और भोजन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। दोस्तों, दूसरा पार्ट आता है रिसेप्टिकल्स। दोस्तों, ये रिसेप्टिकल सपोर्ट करता है फ्लावर के हेड को। और दोस्तों, इसके बाद जो पार्ट आता है वो है आपका सेपल्स। दोस्तों, ये सेपल्स मदद करता है जो आपका बड जो डेवलपिंग स्टेज में होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। और आपके फ्लावर में जो बाहर की तरफ हरी पंखुड़ियाँ आपको नज़र आती हैं, वो यही सेपल्स होता है। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है पेटल्स का। दोस्तों, किसी भी फूल में जो आपको रंग दिखाई देता है, वो इन पेटल्स की मदद से ही दिखाई देता है। और यही अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेटर्स को, जैसे आपकी हनी बी या दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं जो मदद करते हैं पोलिनेशन में। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मेल फ्लावर पार्ट्स की। इसको कंबाइन रूप से स्टेमेंस कहते हैं, और इसके दो पार्ट होते हैं एंथर और फिलामेंट। दोस्तों, फिलामेंट होता है जो आपको के एंथर को इधर ओवरी के साथ अटैच करके रखता है, और ये एक डंडीनुमा स्ट्रक्चर होता है। और एंथर होता है दोस्तों मेन मेल पार्ट, और इसी के ऊपर दोस्तों आपके जो पोलेंस होते हैं, जिनको परागकण कहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं फीमेल पार्ट्स की। कंबाइन रूप से इन पार्ट्स को पिस्टिल कहा जाता है, जिसमें आपके ओव्यूल, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा होता है। दोस्तों, जिस तरह से आपका यहाँ एंथर होता है, उसी के पैरेलल में यहाँ स्टिग्मा होता है। जिस तरह से आपका फिलामेंट होता है, उसी के पैरेलल में आपका स्टाइल होता है। दोस्तों, अब पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो आपके एंथर पे जो आपके पोलेंस होते हैं, वो पोलेंस किसी पॉलिनेटर की मदद के, जैसे आपकी हनी बी यानी मधुमक्खियाँ, या फिर बटरफ्लाई या दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं, उनके पीठ पे, कमर पे या फिर उनके लेग्स पे चिपक के ये कैरी होते हैं स्टिग्मा तक, और स्टिग्मा पे जाके ये चिपक जाते हैं। कुछ दिन यहाँ पर ये एक्टिव रहते हैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से स्टिग्मा से ये मूव कर जाते हैं स्टाइल के थ्रू आपकी ओवरी तक। दोस्तों, ओवरी ही वो पार्ट होता है जो बाद में चलकर आपका फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों, ये थे बेसिकली एक फूल के मेजर पार्ट्स, जिसमें आपके सबसे पहले ये कुछ कॉमन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पेडिसेल होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर रिसेप्टिकल होता है, यहाँ पर आपका सेपल्स होता है, यहाँ पर आपका पेटल्स होता है, और फिर नंबर आता है मेल पार्ट्स का, जिसमें आपके एंथर और फिलामेंट होते हैं। उसके बाद आपके जो फीमेल पार्ट्स, पिस्टिल कंबाइंड रूप से उन्हें कहा जाता है, इसमें आपका स्टिग्मा, आपका स्टाइल, ओवरी और उसके बाद ओव्यूल होता है। तो दोस्तों, ये एक फूल के जो एक कॉमन फूल होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, इसी के थ्रू आपका जो पोलिनेशन का या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला ऊंचाई कर सकते हैं, और ऐसी ही और अपडेट्स पाने के लिए हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।